नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और हमारा आज का पहला डेली अपडेट जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। 1981 में लैटिन अमेरिकी और करेबियाई नारीवादी एनक्रुएंट्रोस के कार्यकर्ताओं ने 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में अधिक व्यापक रूप से मुकाबला करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन के रूप में चिन्हित किया। 17 दिसंबर 1999 को तारीख को अपना आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रस्ताव मिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 2022 का विषय है यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। भारत 2023 में बनेगा दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, यूएन की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2023 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन को पार करने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले वर्षों में चीन में प्रजनन दर में काफी गिरावट आ गई है। देश में 2023 की शुरुआत में जनसंख्या में पूर्ण गिरावट देखने की उम्मीद है। 2050 तक भारत की आबादी 1.668 बिलियन होने की उम्मीद है, जबकि चीन की आबादी घटकर 1.317 बिलियन रह जाएगी। ये अनुमान विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के हिस्से के रूप में किए गए थे, जो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, भारत सूची में 8वें स्थान पर। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में 2 स्थानों का सुधार करते हुए 63 से 8वें स्थान पर पहुंच गया है। यह रिपोर्ट 3 पर्यावरण गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं, जो दुनिया में ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन का 92% से अधिक हिस्सा है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि देश 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में 3 भारतीय शहर। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3 शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों के रूप में उभरे हैं। नतीजन हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई जैसे शहर महत्वपूर्ण डेटा सेंटर बाजार विकास दर्ज कर रहे हैं। लगभग 300 MW से 400 MW की IT क्षमता या तो लाइव, प्रतिबद्ध या प्रत्येक स्थान पर निर्माणाधीन है, नाइट फ्रैंक ने कहा। हाल के वर्षों में मेलबोर्न एक प्रमुख डेटा सेंटर बाजार के रूप में विकसित हुआ है। स्थानीय और क्षेत्रीय ऑपरेटरों से एक नए सिरे से दिलचस्पी मौजूदा लाइव आपूर्ति से 450 मेगावाट के करीब जोड़ने के लिए तैयार है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर मिशन के लिए आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया। नासा की अगली पीढ़ी का रॉकेट शिप चंद्रमा के चारों ओर चालक दल रहित यात्रा के लिए 16 नवंबर को कोर्स पर था और अपोलो युग के अंतिम चंद्र मिशन के आधी सदी बाद फ्लोरिडा से अपनी पहली उड़ान पर लॉन्च किया गया था। अपोलो के उत्तराधिकारी कार्यक्रम आर्टेमिस ने इस दशक में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वापस लाने और मंगल ग्रह के भविष्य के मानव अन्वेषण के लिए एक कदम के रूप में वहां एक स्थायी आधार स्थापित करने का लक्ष्य रखा।
तीन सप्ताह का आर्टेमिस 1 मिशन संयुक्त SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल की एक साथ पहली उड़ान को चिन्हित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत, जो पहले स्टील का शुद्ध आयातक था, अब शुद्ध निर्यातक बन गया है। मंत्री नई दिल्ली में राज्य सरकारों के स्टील सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंधिया ने बताया कि भारत स्टील के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से वैश्विक स्तर पर स्टील के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भी आगे बढ़ा है। देश में स्टील की खपत में वृद्धि के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति स्टील की खपत 57.8 किलोग्राम से बढ़कर 78 किलोग्राम हो गई है, जिसमें पिछले 8 वर्षों में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। 2030 तक भारत की GDP में 5G का योगदान 2% तक हो सकता है। प्रौद्योगिकी केंद्रित व्यापार संघ और वकालत समूह नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, जबकि 5G अभी शुरुआती चरण में है और देश भर में चरणबद्ध तैनाती के दौर से गुजर रहा है, 5G सेवा का 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2% तक योगदान होने की उम्मीद है, जो लगभग $180 बिलियन है। भारत में इंटरनेट की पहुंच अतीत में अन्य देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है और भविष्य में भी काफी अधिक बढ़ने के लिए तैयार है। भारत में टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन ने 2015 और 2019 के बीच 3.37% की CAGR चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देखी। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की, जो साइबर स्पेस में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने की एक अखिल भारतीय परियोजना है। महिलाओं और लड़कियों के लिए ऑनलाइन सुरक्षित स्थान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध या अनुचित गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के प्रति जागरूक बनाने पर केंद्रित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि NCW ने इसे साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नौवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। पेरिस ओलंपिक 2024 फ्रिजियन कैप को पेरिस 2024 शुभंकर के रूप में चुना गया। पेरिस ओलंपिक समिति ने हाल ही में 2024 खेलों के लिए अपने लाल शुभंकर फ्रिजियन का अनावरण किया। ओलंपिक फ्रिज और पैरालंपिक फ्रिज शुभंकर फ्रिजियन कैप्स पर आधारित है, एक प्रकार की टोपी जो पूरे फ्रांसीसी इतिहास में स्वतंत्रता का एक स्थायी प्रतीक बन गई है। फ्रिज छोटे फ्रिजियन कैप है जो स्वतंत्रता, समावेशिता और महान और सार्थक कारणों का समर्थन करने के लिए लोगों की क्षमता के एक मजबूत प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें लाल, सफेद और नीले रंग में रंगा गया है, जिसमें उनकी छाती पर सुनहरा पेरिस 2024 का लोगो लगा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दसवें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया। सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। आयोग, जो सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है, का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और वर्तमान में इसमें 3 सदस्य हैं, वीके सारस्वत, रमेश चंद और वीके पॉल। अरविंद विरमानी ने 2007 से 2009 तक वित्त मंत्रालय में 13वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया।
इसके बाद उन्होंने भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद।